मुल्क की सेकुलर ताकतों का बाबरी मस्जिद के साथ धोखा। आज के इस वीडियो में हमारा सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के असल मुजरिम कौन हैं? इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत और उसके बाद होने वाले फसादात का बुनियादी जिम्मेदार तो आरएसएस है, लेकिन क्या वो अकेला इसका जिम्मेदार है? हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि इसका इल्जाम उन सभी को जाता है जिन्होंने इस जुर्म को रोकने की ताकत रखने के बावजूद उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। इसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, जुडिशरी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां और लीडर सभी शामिल हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो वो उस वक्त सेंटर में हुकूमत में थी, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में होने के बावजूद वो चुपचाप ये तमाशा होता देखती रही। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये वादा किया था कि वो बाबरी मस्जिद को फिर से उसी जगह पर तामीर करवाएंगे, लेकिन उन्होंने भी मुल्क को धोखा दिया। अब रही सुप्रीम कोर्ट तो वो गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश करती रही। अगर ये सब चाहते तो आसानी से इस अनहोनी को रोक सकते थे, लेकिन इनकी मौका परस्ती ने मस्जिद ढाने में फासीवादी ताकतों की राह हमवार करने का काम किया। मस्जिद की शहादत के बाद इन सब ने कैमरे के सामने आकर बड़े बड़े बयान दिए और मुसलमानों को ये यकीन दिलाया कि मस्जिद को दोबारा उसी जगह पर फिर से जरूर तामीर करवाया जाएगा, लेकिन इनमें से कोई भी अपने वादों पर कायम नहीं रहा। और 27 सालों बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए एक तरफा तौर पर बाबरी की जमीन को राम मंदिर की तामीर के लिए देने की बात कही, तो मुल्क की सेकुलर पार्टियों का रिएक्शन उनके पिछले रिएक्शन से बिल्कुल मुखालिफ था। जो सेकुलर पार्टियां पहले ये कहती नहीं थक रही थीं कि बाबरी मस्जिद को फिर से वही तामीर किया जाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का सहरा अपने सर बांधने से नहीं चूक रही थी। फैसले के बाद लगभग सभी सेकुलर जमातें मुसलमानों से ये अपील करती नजर आईं कि वो इस नाइंसाफी भरे फैसले को कबूल कर लें। मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हुए कुछ कांग्रेस लीडर तो राम मंदिर की तामीर में अपने रोल को लेकर खूब शेखियां भगाड़ते नजर आए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ राम मंदिर का दौरा किया बल्कि गोवा के वोटरों से राम मंदिर की मुफ्त यात्रा का वादा भी किया। गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि संघ परिवार के तशद्दुद और तबाही की हरकतों के साथ साथ अदलियों से मिली नाइंसाफी और सेकुलर हुकूमतों, पार्टियों और लीडरों से मिले धोखे को भी हमेशा याद रखा जाएगा।